तो आज हम लोग एक ऐसे इंसान के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके दर्शन के लिए आप लोग बहुत बेताब रहते हो। ये ऐसे हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की। तो आज हम लोग बात करेंगे उनके टॉप 5 अननोन एंड बेसिक फैक्ट्स अबाउट महात्मा गांधी। तो बिना टाइम जाए कर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो सबका आंसर कॉमन हुआ कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और आज हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के तौर पर मनाते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या सच में 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जयंती मनाई जाती है, तो इसका आंसर नो होगा। क्योंकि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। 15 जून 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस असेंबली में एक वोटिंग हुई और ये स्थापित यानी स्टैब्लिश किया गया कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाएगा। क्या आप लोगों को पता है गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था? यस, इन ईयर 1937, 1938 एंड 1939 3 साल लगातार उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद 1947 एंड 1948 में भी उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं गांधी जी के कितने बच्चे थे, तो काफ़ी सारे लोग इसका आंसर देने के लिए तैयार होंगे कि उनके 4 बच्चे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँ तो उनके 4 नहीं 5 बच्चे थे। यस, हरिलाल गांधी से भी पहले उनका एक बच्चा था जो हरिलाल गांधी के जन्म से 3 साल पहले ही उसका जन्म हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाया था, सर्वाइव नहीं कर पाया था। और जब महात्मा गांधी का पहला बच्चा हुआ था उस समय उनकी जो उम्र थी, एज थी, वो महज 16 साल के आसपास की थी। आप लोगों का ये तो पता ही होगा कि 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या बिरला हाउस के बगीचे में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनके जो फनरल यानी अंतिम संस्कार में जो भीड़ उमड़ी थी वो करीब 8 किलोमीटर यानी 8,000 मीटर लंबी थी। क्या आपको पता है महात्मा गांधी ने पहली बार स्कूल में कब कदम रखा था, उन्होंने अपनी पढ़ाई कब स्टार्ट करी थी? तो उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी 9 ईयर्स की एज में फ्रॉम एल्फर्ड हाई स्कूल, जो अभी भारत के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। कि वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट द्वारा इकट्ठा थी, तो कुछ अगर इधर उधर हो गया हो तो कृपया करके क्षमा कर देना। एंड थैंक यू।